सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज कैसे यार आप सभी, होप करता हूँ यार सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया होगा, मैंने ऑर्डर किया था चेस्ट माउंट। सो गाइज मेरे पास रिसेंटली ही अभी आया है चेस्ट माउंट फॉर साइकिल व्लॉगिंग, और मोटो व्लॉगिंग भी हम उससे कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं उसके लिए आपके लिए अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ और उसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि उसकी साउंड वगैरह कैसे आती है। तो मैं यहाँ पर ओपन स्पेस में आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो चलो टेस्ट करते हैं और सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। गाइस चलो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है और ये इसकी कॉस्ट मुझे 500 रुपीज पड़ी है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा इसके अंदर, पाउच के अंदर इसको साइड रखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर माउंट, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माउंट है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। और इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये होल्डर आता है इसका, दिखाता हूँ। तो गाइस इसके साथ ये होल्डर आता है, अभी मैं सबको असेंबल करके दिखाऊंगा आपको, पूरा एकदम अच्छे से सेट करके दिखाऊंगा। तो गाइस ये आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी इसके साथ, जो आपके चेस्ट पर ऐसे कर पूरा करके लगाएगा, आकर भी दिखाऊंगा। और ये आपको जे माउंट देखने को मिल जाता है, जिससे कि कैमरा यहाँ पर, अभी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। देखो गाइस ये माउंट लग चुका है और अब इसको हम खोलेंगे और इसे लगाएंगे होल्डर को, ताकि ये जो हमारा ये हमारा होल्डर है, माउंट बोल सकते हैं इसको, ये इस पर सेट हो जाए सही से। फाइनली ये लग चुका है हमारा माउंट। ये आप माउंट इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसको थोड़ा अप करके भी लगा सकते हैं, ये एडजस्टेबल होता है। और फिर जब आपको जोन सी पोजीशन आपको ठीक लगे कि जिससे व्यू अच्छा आ रहा है, अभी मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा अलग अलग एंगल से कर दिखाऊंगा, उस पर आप इसको टाइट कर लें ताकि ये हिले ना, ज़्यादा हिले ना, ठीक है। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसको पहन कर दिखा देता हूँ ये किस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये आपके सामने रेडी हो चुका है और काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये इलास्टिक का है, सही वैसे ये इलास्टिक का है, इसकी स्ट्रैप्स इलास्टिक की है, तो कंफर्टेबल है काफ़ी। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है, एकदम सक्सेसफुल है या नहीं, ऑडियो क्वालिटी वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं। चलो गाइज टेस्ट करते हैं। गाइज अभी मैंने इस एंगल पर रखा है फ़ोन, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। तो मैंने ये करी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। आई होप व्यू तो ठीक ठाक ही आ रहा होगा, जितना साइकिल का पार्ट हम दिखाना चाहते हैं व्लॉगिंग में उतना तो चलो दिखा ही रहे हैं। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं अभी स्पीड वगैरह में। मैंने डिफरेंट एंगल पे सेट करके अपना कैमरा यहाँ पर लगा लिया है इसको, माउंट को नीचे करके। सो अब देखते हैं कैसा व्यू आता है, होप करता हूँ यार बहुत अच्छा व्यू आए। और ऑडियो क्वालिटी तो मैंने चेक कर ली, काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आ रही है क्योंकि ये माउथ के पास ही है। तो चलो यार अब इसको टेस्ट करते हैं इस वाले व्यू को, जो कि व्लॉगर्स वगैरह को चाहिए होता है, मोटो व्लॉगर्स को। तो चलो यार चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है फ़ोन की और अब मैं जा रहा हूँ प्लेन रोड पर, तो देखते हैं कैसा रहता है। और आई थिंक कि स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी और व्यू भी आपको सामने का काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, पूरा हैंडल आपको दिख रहा होगा और सामने का भी व्यू अच्छा आ ही रहा होगा। तो चलो यार और टेस्ट करते हैं, स्पीड वगैरह का मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टेबलाइजेशन में। तो गाइस अब मैं स्पीड टेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा स्प्रिंट करेंगे अपन, तो काफ़ी देखते हैं कि तेज स्पीड में कैसे स्टेबलाइजेशन रहती है। तो चलो एक स्प्रिंट लेते हैं।
ये स्पीड ब्रेकर आ गया और थोड़ा सा तो कैमरा हिला भाई। जब स्पीड ब्रेकर या कुछ उबड़ खाबड़ वाली जगह आएगी तो कैमरा तो हिलेगा। और ये हमने यू टर्न लिया। टेस्ट वगैरह तो कर लिया है और गाइस काफ़ी प्लेन रोड पे तो सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है जैसा कि आपने देख लिया होगा। और गाइस ज़्यादा स्पीड पे तो 40-50 की स्पीड पे तो गाइस थोड़ा कैमरा की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो हिलता है थोड़ा, ये माउंट हिलता है जैसे कि हम स्पीड अप करते हैं तो ये हिलता है माउंट, हमारी बॉडी हिलती है तो माउंट भी हिलेगा ही। तो और सबसे बड़ी बात ये जो उबड़ खाबड़ एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी मैंने साइकिल चलाई थी तो यहाँ पर भी काफ़ी कैमरा हिल रहा था, तो इसके लिए तो मैं नहीं मानता कि इसके लिए ड्यूरेबल है और इसके लिए ये सही है। बाकी ये स्ट्रैप वगैरह तो कंफर्टेबल है, बड़ा अच्छा लगा चलाने में और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था अलग अलग एंगल से, जैसे कि मैंने पहले दूसरा एंगल किया था तो उससे पूरा साइकिल का व्यू आ रहा था नीचे का, और जब मैंने माउंट ऐसे सेट किया तो सामने का पूरा व्यू आ रहा है जो कि व्लॉगर्स मोटो व्लॉगर्स वगैरह को चाहिए होता है। तो गाइस होप करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और होप सो आपको साइकिल मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड आगे वीडियोज़ देखने को मिले। तो यार तब तक के लिए बाय।